हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरफेस की। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सेल साइकिल है उसके मुख्य दो फेज होते हैं, एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज जो है वो प्रिपरेटरी फेज है, और उसके जो सब फेज होते हैं वो होते हैं जी वन फेज, एस फेज और जी टू फेज। लेकिन इन सबसे पहले, इन सब पे आने से पहले हम क्या करेंगे, पहले बात जानेंगे कि इंटरफेस क्या है। और इंटरफेस को जानने से पहले हमें क्या काम करना है, आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसा करके मुझे सपोर्ट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इंटरफेस है क्या। ठीक है, अपने दिमाग का बल्ब जलाते हैं ये जान के। जैसे ये भैया जो है वो जला रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इंटरफेस इज अ फेस दैट प्रिपेयर्स द सेल टू डिवाइड। यानी कि इंटरफेस वह फेस है जहां पर प्रिपरेशन का कार्यक्रम चलता है सेल के डिवाइड होने से पहले का। इट वाज फाउंड दैट इंटरफेस इज एन एक्टिव स्टेज दैट इंक्लूड इट इज फाउंड दैट द इंटरफेस इज एन एक्टिव स्टेज एंड इंक्लूड्स मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दीज मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इंटरफेस स्टेज विच हेल्प द सेल टू प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर फर्दर डिविजन। ऑब्वियसली जो इंटरफेस जो है वो मेटाबॉलिकली एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक प्रिपरेटरी फेज है और इसी के दौरान एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, इसके दौरान एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कॉपीड होते हैं, डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें एंजाइम्स और प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये एक मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस है और हम इसको जो दूसरा नाम देते हैं वह नाम देते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लास्ट टू लास्ट वीडियो में जाना था, क्योंकि ये एक मेन इवेंट जो होता है सेल डिवीजन, उसका पूरा प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो इंटरफेस के दौरान होता है। जैसे कि हमने क्या बात की थी कि हमारा जो एग्जाम है वो मई में हुआ। ठीक है, और हो सकता है जो नेक्स्ट 2024 का जो नीट का एग्जाम है वो मई या जून में हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 365 दिन होते हैं साल के, और उन 365 दिन में से हमारे पास 364 दिन जो होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की। ठीक है, और सिर्फ एक दिन जो होता है ना, वन डे, उस दिन क्या होता है हमारा एग्जाम। ठीक है, नीट का। ठीक है, तो जो 364 दिन है, 365 दिन में से वो प्रिपरेशन के हैं, और एक दिन जो है वो हमारी परीक्षा का। तो यहां पर भी ये होता है कि जो टाइम कंज्यूम करता है पूरा सेल डिवीजन के लिए, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो इंटरफेस कंज्यूम करता है। ठीक है, इंटरफेस कंज्यूम करता है, और जो डिवाइडिंग फेज है वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में एक पिक्चर थी, यहाँ पर देखो कि इंटरफेस जो है वो इतना सारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, जबकि जो एम फेज ही जो मेन इवेंट फेज है वो सिर्फ बहुत ही कम टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि इंटरफेस जो है वो तीन सब फेजेस में डिवाइडेड है, गैप वन फेज या जी वन फेज, एस फेज या सिंथेसिस फेज, जी टू फेज या गैप टू फेज। ठीक है, तो यहां पर भी ये इमेज मैंने लगाई है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इंटरफेस जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है एज कंपैरेटिवली एम फेज के। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G1 और गैप फेस की। तो देखो बच्चों, ऐसे ये इमेज है। ठीक है, तो सिंपली कोई भी एक सेल है, यहां पर देखो
हम बात करते हैं, एक नई सेल पैदा हुई, ठीक है। नई सेल पैदा होगी कैसे, जब मदर सेल का डिवीजन होगा तो सबसे पहले उसमें माइटोसिस हुई, यानी कि उसका डिवीजन होगा और एक नई सेल पैदा होगी, ठीक है। चलो, एक नई सेल यहाँ पर जन्म लेती है, ठीक है। तो नई सेल का सफर कहां से शुरू हुआ था, एम से, ठीक है। और फिर जब वो मिच्योर हो जाएगी, ठीक है, जब वो मिच्योर हो जाएगी और सोचेगी कि यार मैं भी ये डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, तो वो एंटर करती है हमारे जीवन फेज में, ठीक है। तो वो एंटर करती है जीवन फेज में। शुरुआती शुरुआत उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, जब एंड हुआ था एम फेज का, ठीक है, उसकी मदर सेल का एंड हुआ था एम फेज का, उसकी मदर सेल का। और फिर वो मिच्योर हो गई और उसने एंटर किया जीवन फेज में। तो यदि कोई पूछता है कि जीवन फेज क्या है, तो जीवन फेज जो है, अगर हम एक सेल साइकिल की बात करते हैं, तो पुराने माइटोटिक, पुराने सेल डिवीजन, यानी कि पुराने एम फेज, और ये जो सिंथेसिस फेज है, या सॉरी ये जो सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, ये जो सिंथेसिस फेज है, एस फेज, ये वाला जो फेज है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे नई सेल, इसके एंड में नई सेल की उत्पत्ति हुई, ये मिच्योर हुई, ये एंटर करी जीवन फेज में, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में कभी कोई पूछ लिया जाता है कि जीवन फेज क्या है, तो जीवन फेज जो है वो एक एक गैप है एंड ऑफ द प्रीवियस एम फेज एंड जो एस फेज है उसके बीच का, ठीक है, जो नया वाला एस फेज है उसके बीच का एक डिफरेंस है, एक गैप है, उनके बीच की स्टेज है। पुराने डिवाइडिंग फेज यानी कि एम फेज और जो नई सेल में जो सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीवन फेज। आप इसमें से देख के आप इसमें देखो, इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सेल डिवीजन के मामले में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम इसको दर्शाते कैसे हैं। तो ये क्या है कि पुराने जो मदर सेल का जो एम फेज का डिवीजन हुआ था उसके और आने वाले एस फेज के बीच में जो फेज आता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन फेज। तो जीवन फेज क्या है ये तो हमें पता चल गया, अब बात करते हैं उसके मेन इवेंट्स क्या है। तो उसका जो पहला मेन इवेंट है वो है सेल की ग्रो होना, सेल का ग्रो होना। दूसरा है प्रोटीन की सिंथेसिस होना। तीसरा है जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी कॉपीज का बनना। तो सेल का ग्रो होना यहाँ पर किससे परिभाषित करता है, देखो, एक सेल थी, एक यंग सेल थी, तो वो मिच्योर कब कहलाती है, वो मैच्योर तब कहलाती है जब उसको एक परफेक्ट साइज मिल जाता है, ठीक है। अब ये सेल जो है वो एक परफेक्ट साइज में आ गई और अब ये तैयार है डिवीजन करने के लिए, क्योंकि डिवीजन करने के लिए सेल के पास सारे सर ऑर्गेनल्स होने चाहिए, साथ ही साथ एंजाइम्स होने चाहिए और उनको रखने के लिए स्पेस होना चाहिए, एक इनफ अमाउंट में सारी चीजें होनी चाहिए ताकि वो जो विभाजन करे डॉटर सेल्स के बीच में, तो इक्वली डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल जो होता है वो फिजिकली ग्रो होती है ताकि वो एक परफेक्ट साइज में डिवाइड हो सके, ठीक है, ये जरूरी है। दूसरा है कि जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है उनकी सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। किन प्रोटीन्स और एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे उन प्रोटीन और एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है जिनकी नीड होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि एस फेज में जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हेलिकेज है, टोपो आइसोमरेज है, ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं, लाइगेज हो गया, सबसे मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हो गया। इन सब की जो सिंथेसिस होती है ना वो एस फेज में, वो सॉरी गैप वन फेज में हो जाती है या जीवन फेज में हो जाती है। तो मेन
क्या होता है, सेल साइज में ग्रो, सेल का जो साइज होता है फिजिकली वो भरता है, उन ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिनकी नीड होती है एस फेज में, ठीक है, क्योंकि एस फेज में एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, एंजाइम नहीं है तो डीएनए की सिंथेसिस कैसे होगी, नहीं होगी ना, तो इसलिए प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो यहाँ पर मेन इवेंट यहाँ पर हो रहा है इसका, वो ये हो रहा है कि जो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी कॉपी बन रही है, ताकि जब एक मदर सेल जो है उसका जो डिवीजन हो तो वो अपने दोनों डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में जो ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है उसका डिवीजन कर सके, यानी इक्वल अमाउंट में दोनों को दे सके। कहते हैं ना कि जायदाद का बंटवारा जो माँ बाप करते हैं आधा आधा कर देते हैं अपने बच्चों के बीच में, तो यहाँ पर सेल ने भी ये किया है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो भी आधा आधा बंटवारा कर रही है अपने साइटोप्लाज्म का, और डीएनए की सिंथेसिस अभी होगी तो वो बाद में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस ये ऑर्गेनल्स बन रहे हैं, अभी डिवीजन नहीं हो रहा है ना साइटोप्लाज्म का, वो ना तो साइटोप्लाज्म का हो रहा है ना ही न्यूक्लियस का हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एस फेज की। एस फेज क्या है, सिंथेसिस फेज, इसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए है उसकी कॉपी बनती है, यानी कि जो एक हमारा डीएनए है, ठीक है, उससे उसकी दो कॉपीज बनती हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से नहीं, पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, डीएनए की कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसमें जो डीएनए का कॉन्टेंट है वो डबल हो जाता है, परंतु जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि जो कंटेंट जो डीएनए है वो डबल हो जाता है परंतु जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, देखो ऐसा क्यों होता है। देखो नॉर्मली यदि हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, ठीक है, तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, क्या कहते हैं हम इसको, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो संख्या गिनी जाती है वो नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से गिनी जाती है। तो यदि हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल में एस फेज से पहले जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो 46 थे, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमेयर जो दर्शा रहे थे वो 46 थे, ठीक है। लेकिन एस फेज के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब डीएनए की सिंथेसिस हो गई तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर एक ही सेंट्रोमेयर जो होता है वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कंटेंट ऑफ डीएनए है उसको वो 2C से क्या हो गया है, 4C हो गया है, परंतु ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेम ओनली 46 सेंट्रोमेयर, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 4N नहीं होगा। तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम पर एक ही सेंट्रोमियर है, ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसलिए जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है परंतु क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर हमें अभी भी 46 ही दिख रहे हैं, यानी कि दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में अटैच हैं इसी क्षेत्र से, डीएनए के इसी क्षेत्र से अटैच हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मेन इवेंट होता है कि जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनमें डुप्लीकेशन होता है जो न्यूक्लियस के पास में होते हैं, ये आगे जाके क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होता है उसकी सिंथेसिस करते हैं, जिससे ये जो है क्रोमोसोम्स जो होता है वो अटैच होता है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं G2 फेज की। तो G2 फेज जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आता है, ठीक है, और इस फेज के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग विच ऑल ओवर सेल ग्रोथ अकर्स एंड प्रोड्यूस द प्रोटीन्स दैट रिक्वायर्ड्स फॉर द एम फेज। यहाँ पर क्या होता है, सेल को जितनी भी अपनी ग्रोथ तक पहुँचना होता है वो पहुँच जाती है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करती है ऐसी प्रोटीन्स की, ऐसी एंजाइम्स की जिनकी ज़रूरत होगी एम फेज में, ठीक है, क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए भी कई सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स की नीड होती है,
ठीक है, जब हम डिटेल में सेल डिवीजन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कितनी सारी प्रोटीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर चेक पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर चेक पॉइंट्स भी होते हैं सब फेजेस के, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उनको चेक करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होने चाहिए कि जो डीएनए है वो सही तो रेप्लिकेट हुआ है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गए। तो ये सब जो होता है ये चेक पॉइंट का काम होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस इस दौरान होती है। तो बच्चों आज हमने बात की इंटरफेस की, ठीक है, आज हमने किसकी बात की, आज हमने बात की है इंटरफेस की और उसके सब फेजेस की। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बस जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय।